पश्चिम बंगाल में उपचुनाव को लेकर राजनीति। आज अलीपुर में भवानीपुर सीट पर ममता ने दाखिल किया अपना नामांकन। भवानीपुर उपचुनाव में बीजेपी ने प्रियंका टिब्रेवाल को बनाया उम्मीदवार। विधानसभा चुनाव में प्रियंका को 58,000 से ज्यादा मतों से हार मिली थी। भवानीपुर उपचुनाव में हर वार्ड में बीजेपी विधायकों की तैनाती। बीजेपी ने सांसद अर्जुन सिंह को नियुक्त किया पर्यवेक्षक। रुद्रनील घोष प्रचार समिति के बने चेयरमैन। भवानीपुर विधानसभा सीट पर 30 सितंबर को है उपचुनाव। 3 अक्टूबर को आएगा परिणाम। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का बयान। मिदनापुर में ममता के विरुद्ध पूरी शक्ति से लड़ेगी बीजेपी, बोले उपचुनाव में डरी हुई है ममता। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में उपचुनाव के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। 20 नाम शामिल। ममता के विरुद्ध बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 2 केंद्रीय मंत्रियों के नाम। स्मृति ईरानी और हरदीप सिंह पुरी भी करेंगे प्रचार। ममता के विरुद्ध बीजेपी के स्टार प्रचारकों में दिलीप घोष, शाहनवाज हुसैन और मनोज तिवारी शामिल। बीरभूम में टीएमसी जिलाध्यक्ष अनुव्रत मंडल का विवादित बयान। का हत्या में शामिल शख्स को गोली मार देनी चाहिए। 15 दिन में नहीं पकड़ा गया तो खेलूंगा डरावना खेल। टीएमसी ने त्रिपुरा में 15 सितंबर को बड़ी तैयारी की। अगरतला में पदयात्रा करेंगे ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी। यूपी में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का कटा टिकट। बीएसपी ने किया किनारा, नहीं देगा टिकट। मायावती का ऐलान, मऊ से बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर लड़ेंगे चुनाव। किसी बाहुबली को टिकट नहीं देगी बीएसपी। ओवैसी की पार्टी ने मुख्तार अंसारी को टिकट का दिया खुला ऑफर। कहा वो जहां से टिकट चाहेंगे हम उन्हें देंगे। बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पहले ही ज्वाइन कर चुकी हैं ओवैसी की पार्टी। ओवैसी ने यूपी चुनाव में झोंक दी अपनी शक्ति। 22 सितंबर को संभल, 25 को प्रयागराज, 26 को कानपुर, 30 को बहराइच जाएंगे ओवैसी। गुजरात की तरह यूपी में बीजेपी बड़े नेताओं को बनाएगी पन्ना प्रमुख। सीएम, डिप्टी सीएम और नेता बनेंगे पन्ना प्रमुख। कल यूपी में बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। इसी के साथ शुरू होगा पन्ना प्रमुख बनाने का अभियान। यूपी चुनाव से पहले राज्य में 4 करोड़ सदस्य बनाएगी बीजेपी। अक्टूबर महीने से शुरू होगा सदस्यता अभियान। बीजेपी की सदस्यता अभियान के लिए जल्द होगी प्रभारियों की नियुक्ति। सीएम योगी ने लखनऊ में गोविंद वल्लभ पंत की प्रतिभा का किया अनावरण। लखनऊ में लोक भवन कार्यालय में लगाई गई प्रतिमा। मथुरा को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। मथुरा वृंदावन में कृष्ण जन्मस्थल का 10 वर्ग किलोमीटर का दायरा तीर्थ स्थल घोषित। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने झोंक दी अपनी शक्ति। लखनऊ पहुंची प्रियंका, आज 40 विधानसभा सीटों पर फाइनल करेंगे टिकट। यूपी में कांग्रेस निकालेगी प्रतिज्ञा यात्रा, सरकार से होगा वादा पूरा करो का सवाल। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा के मार्ग और मुद्दों पर मंथन। बड़े गांव कस्बे निशाने पर 12,000 किलोमीटर का होगा ये सफर। यूपी के राजनीतिक मैदान में कूद सकते हैं चिराग पासवान। कहा यूपी चुनाव को लेकर संगठन ने हर पंचायत हर बूथ पर की है तैयारी। चुनाव लड़ने का फैसला राज्य का ही करेगी। कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के भाइयों की गुंडागर्दी, सीसीटीवी में कैद। पुलिस की मौजूदगी, एक रेस्टोरेंट के कर्मचारी को पीटा, वीडियो वायरल। यूपी के बागपत में बीजेपी नेता और पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री आत्माराम तोपर की हत्या। घर में बिस्तर पर मिला शव, उनकी गाड़ियां गायब। रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में अवैध कब्जे की जमीन पर कार्रवाई शुरू। तहसीलदार ने कब्जे वाली जमीन वापस लेना शुरू की। जौहर यूनिवर्सिटी की 400 एकड़ से ज्यादा की जमीन पर सवाल। एडीएम ने 12.5 एकड़ जमीन से अतिरिक्त जमीन को सरकार के नाम दर्ज करने का जारी किया आदेश।
एडीएम के आदेश के अनुसार जौहर यूनिवर्सिटी की लगभग 1400 बीघा जमीन पर सरकारी कब्जा हुआ। आजम खान और उनके परिवार पर दर्ज हैं 100 से ज्यादा केस। जम्मू पहुंचे राहुल गांधी ने एक बार फिर से दोहराया, मैं और मेरा परिवार कश्मीरी पंडित हैं। जम्मू में बोले राहुल, आपके बीच जो प्यार भाईचारे की भावना है उसको बीजेपी और संघ के लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इससे आपको आर्थिक नुकसान पहुंचा जिससे आपकी इकोनॉमी को चोट लगी। जम्मू पहुंचे राहुल गांधी, कांग्रेस पदाधिकारियों के सम्मेलन में शिरकत की, गुलाम नबी आजाद शामिल हुए। राहुल ने जय माता दी संबोधन से शुरुआत की। राहुल ने मां दुर्गा, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती जैसी तीन देवियों की शक्ति, सुरक्षा और शिक्षा की प्रतीक इन्हें बताया। किया सवाल, क्या बीजेपी शासनकाल में इन तीनों में हुई बढ़ोतरी? राहुल ने कहा, हर धर्म में दिखता है हाथ का निशान जो भय मुक्त होने की देता है सीख। बीजेपी डराती है, कांग्रेस प्यार सिखाती है, डरे नहीं, सच का दे साथ। 22 सितंबर को अमेरिकी दौरे पर जा सकते हैं पीएम मोदी, 23 सितंबर को जो बाइडेन से मुलाकात, 24 सितंबर को क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी, 25 सितंबर को यूएन महासभा में संबोधन संभव। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर गरमाई राजनीति, प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण लागू होने पर श्रेय लेने की होड़, कांग्रेस प्रदेश में यात्रा निकालकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का व्यक्त करेगी आभार। 32 किसान संगठनों ने चंडीगढ़ में की बैठक, बीजेपी को छोड़कर राजनीतिक पार्टियों की को भी न्योता दिया, नेताओं से होंगे सवाल जवाब। करनाल में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी, आज भी भारी पुलिस बल की दिखी तैनाती। महाराष्ट्र में कांग्रेस से शिवसेना के साथ सरकार में साझेदारी के बावजूद पवार ने कांग्रेस को दी नसीहत, बोले कांग्रेस अब स्वीकार करे अपना सच। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने ऑटो कंपनियों के भारत छोड़ने पर उठाए सवाल, ट्वीट में लिखा, पिछले कुछ सालों में 5 ऑटो कंपनीज ने छोड़ दिया देश, अब कतार में है फोर्ड। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी ने देश में एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का रखा लक्ष्य। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी मनाएगी सेवा समर्पण सप्ताह, यूपी में नदियों के सफाई अभियान की भी योजना। गाजीपुर में मनाया गया परमवीर चक्र विजेता शहीद अब्दुल हमीद का 56वां शहादत दिवस, से डीएमएसपी के साथ स्थानीय नेताओं ने किया नमन।